एकदम टेस्टी लग रहा है। तो अगर आपका बांस बहुत पतला है तो आपको तो किसी डंडी में कपड़े लपेट के करना होगा, और हम लोग का बांस जैसे कि काफ़ी मोटा है तो इसके अंदर मेरा हाथ आराम से घुस जाएगा, तो इसको मैं हाथ से ऐसे ऐसे करके साफ कर सकता हूँ। तो अच्छी तरह से ऐसे ऐसे करके आप लोग भी साफ कर सकते हो, थोड़ा सा घुमा के या फिर एक डंडी घुसा के भी कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ऐसे काफ़ी साफ हो जाता है, देख सकते हैं। तो ऐसा साफ करके आप लोग चिकन डाल सकते हो अंदर, तो ये काफ़ी क्लीन से हो जाता है। अच्छी तरह से ऐसे चिकन को हम लोग धो लेंगे। तो हम लोग ऐसे करके पहले ईंट को जमा लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग रखेंगे बम्बू को। तो पहले थोड़ा सा ऐसे सीधा सीधा रख लेंगे, फिर एक साइड को थोड़ा हाइट बनाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर जब हम लोग बम्बू को ऐसे रखेंगे तब इसके अंदर जो भी मसाला तेल वेल डालेंगे वो गिर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को एक साइड थोड़ा डाउन और एक साइड थोड़ा हाइट करना है, जिसकी वजह से हमारे लोग का मसाला ना गिरे। तो इसलिए हम लोग ऐसे सेटअप कर लिए। और आप लोग के पास अगर कुछ हथियार है तो उससे आप लोग इसके नीचे थोड़ा गड्ढा भी बना सकते हो, जिससे आप लोग को लकड़ी वकड़ी दोगे तो अच्छे से जल पाए, और नहीं बनाओगे थोड़ा हाइट बनाओगे तो उससे भी चल जाएगा। तो हमारे पास तो है, थोड़ा सा गड्ढा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा गड्ढा तो कर लिया, तो चलो अभी जल्दी जल्दी चिकन को मैरिनेट करके इसके अंदर डाल देते हैं, फिर दिखा। तो हम लोग चिकन मैरिनेट करने के लिए हम लोग लाए आधा किलो चिकन, और एक तो अदरक लहसुन का पेस्ट, और एक चिकन मसाला, और जैसे हम लोग का डेली यूज़ में लगता है हल्दी नमक मिर्ची सब कुछ एक एक टेबल स्पून, और थोड़ा सा तेल। तो चलो हम लोग इसको मैरिनेट करते थे। और एक बात का ध्यान रखना कि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे, मैं काफ़ी टाइम से इसको धोधा के रख दिया था, तो अभी देखिए इसमें पानी जमा हो गया है, तो इसको मैं फेंक देता हूँ। देख सकते काफ़ी पानी है, तो इसको मैं फेंक दिया अच्छे से। अभी चलो इसको फटफट हम लोग मैरिनेट कर लेते हैं। तो चिकन मसाला को हम लोग डाल लेते हैं। ज़्यादा मत डालिए, और अदरक लहसुन पेस्ट को भी दे देते हैं। और इसमें थोड़ा सा सब कुछ अपने हिसाब से डाल लीजिए, क्योंकि आप एक बार अगर बम्बू चिकन में डाल दोगे तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलता है, तो एक बार में पूरा डालना पड़ता है। ऑयल भी डाल दिया, तो अभी इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेते हैं। तो हम लोग का चिकन तो मैरिनेट हो गया है, अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो अभी हम लोग इसको बम्बू में डालेंगे। तो अभी हम लोग के बम्बू तो एकदम सूखा हुआ है, काफ़ी पहले से ही मैंने धो के रख दिया था। तो इसके अंदर अभी मैं ऑयल डालूंगा, और मेरे हाथ में जो भी मैरिनेट का मसाला लगा हुआ है उसको भी डालना है। तो हल्का फुल्का मसाला लग जाएगा इसमें तो अच्छा रहता है, इसलिए मैं हाथ को धोया नहीं। तो अभी थोड़ा सा ऑयल ले लेता हूँ हाथ में, और उसमें पूरा फैला देता हूँ। ज़्यादा भी नहीं डालना है, थोड़ा हल्का फुल्का की चिपके ना। तो यहाँ तो डाल दिया, पर नीचे तक थोड़ा सा नहीं गया हाथ, तो उसमें थोड़ा सा डाल देता हूँ। तो इसको थोड़ा हिला के पूरा फैला लेता हूँ, हो गया है। तो चलिए इसमें भी चिकन डालता हूँ। हम लोगों का आग भी जल चुका है, तो इसमें पूरा चिकन को मैं डाल देता हूँ। तो पूरा चिकन डाल चुका है, मसाला को भी डाल देता हूँ। तो ये तो डल चुका है, देख सकते हैं। तो इसको अभी हम लोग को सील करना है कि मसाला गिरे ना। इसके लिए हम लोग बनाना का पत्ता रहता है, उसको हम लोग इसको सील करने में यूज़ में लेंगे। तो बनाना का पत्ता डाल देते हैं। तो ये हम लोग का बनाना का पत्ता है, तो इसको हम लोग सील करने में यूज़ में लेंगे। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा फाड़ लेता हूँ। आप लोग चाहे तो दूसरा कुछ भी यूज़ में ले सकते हो,
पर ये काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि ये जल्दी जलता नहीं है। तो देख सकते हैं हम लोग का बम्बू तो सील हो चुका है, अच्छी तरह से अभी नहीं गिरेगा। तो चलो इसको अभी हम लोग डाल देते हैं आग में, और ये कम से कम आधा घंटा लग जाता है ये होने में, तो हम लोग को आधा घंटा वेट करना है और बीच बीच में थोड़ा सा इसको रोल करके घुमाते रहना है, ये अच्छी तरह से हर तरफ से पक जाए। तो गाइस जैसे कि काफ़ी टाइम से जल रहा है तो इसको हम लोग को बीच बीच में घुमाते रहना है, और यही सबसे मुश्किल काम है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, इसलिए हम लोग शाम के टाइम में बना रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, हर तरफ घुमा घुमा के डालना है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके घुमाते रहना है, तो थोड़ी देर बाद फिर घुमाना है। तो देख सकते हैं कैसे आवाज़ मार रहा है बाँस का, जो उसके अंदर जो पानी का थोड़ा सा स्रोत रहता है वो धीरे धीरे जल के गिर रहा है, तो उसका आवाज़ मार रहा है, और देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू दे रहा है। तो इस बात पे एक लाइक ठोक दो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आजकल, डेली वीडियो भी आ रहा है। देख सकते हैं गाइस कैसे भाप निकल रहा है, मतलब ये अच्छे से पक रहा है, आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बार घुमा देते हैं ऐसे बीच बीच में घुमाते रह रहे हो, और देखिए कितना ज़्यादा ये भाप छोड़ रहा है यहाँ से, इसको घुमा देता हूँ, काफ़ी गर्म है गाइस। देख सकते हैं बांस तकरीबन जल चुका है, और थोड़ा सा और पकेगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा होगा क्या वीडियो में, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है गाइस, तो इसको हम लोग वहाँ तक ले जाएंगे। देख सकते हैं पूरा पक चुका है, और अंदर भी देखिए, चलिए इसको खाली करते हैं। तो इसको खाली करने के लिए हम लोग ये बनाना का पत्ता लेके आए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा रहता है, लेते हैं पहले। तो गाइस ये तो पक चुका है, चलिए इसको निकाल के देखते हैं कैसा बना है। देख सकते हैं गाइस कितना सुंदर बना है, एकदम टेस्टी लग रहा है, एक तो खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा बना है। तो पहले आप लोग के लिए, फिर मैं खा लेता हूँ। एक नंबर टेस्ट है, नमक भी सही डाले हम लोग, तो आप लोग भी चाहे तो इसको बना के खा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता, आप लोग देख चुके हो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कहीं कोने में जाके एक बम्बू चिकन बना के पार्टी कीजिए।